क्या है ये? कुछ बन रहा है? कुछ हाँ स्पेशल बन रहा है लगता है आज? एक्चुअली मैंने तैयारी शुरू कर दी, फिर हमने सोचा इसको भी रिकॉर्ड करके दिखा दे। ये है बीट रूट। बीट रूट को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद मैंने एक या दो आलू उबाले, और आलू को भी मैंने कद्दूकस कर लिया। और फिर मैं ये आपको दिखा देती हूँ, ओके, आलू और एंड बीट रूट स्टेज को, टू. स्टेज टू, आलू और बीट रूट को कद्दूकस कर लिया है। एंड स्टेज थ्री विच आई वॉज हाइडिंग इज कॉर्न स्टार्च। तो मैंने कॉर्न स्टार्च दो बड़े चम्मच लिए हैं ताकि इसको हम बाइंड कर दें अच्छे से। ओ, मेरे लगा से वाइट करने के लिए. नहीं नहीं वाइट नहीं, ताकि बाइंडिंग भी हो जाए। और कॉर्न क्या करता है, करारा करता है। करेक्ट और करेक्ट. बाय द वे हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं आलू और बीट रूट की कटलेट्स। इसमें आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, बट दीज टू कॉम्बिनेशन इज अ मस्ट। और मुझे तो याद आ रहा है कि इंडिया में रेलवेज, इंडियन रेलवे की जो किचन होता है, का किचन होता है, वहां पे ये कटलेट्स बहुत मिलते थे। बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ वन ऑफ यू रिमेम्बर दिस। और सबसे बड़ी बात, उसमें कसाव होता है तो बीटरूट का वैसे खा नहीं सकते हो. हाँ और बोलते हैं हेल्दी होता है, सपोजली हेल्दी हेल्दी होता है, तो ये वी टिकी विल क्यों मैं सी तक? अच्छा. एग्जैक्टली। तो देखिए, अब देखिए बाइंडिंग हो गई ना इसकी, पहले बाइंडिंग नहीं हो रही थी। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली जितनी मैंने रिसर्च की है, पीपल से कि बीट रूट को आप पहले पका लो, ठीक है। मैंने पकाया नहीं है बिकॉज आई एम इन अ रश, आई लाइक टू डू शॉर्टकट। लेकिन हम बिना पकाए श्रेड करके इसको हम सेकेंगे, और बीट रूट तो सैलेड की तरह भी खाते मतलब हैं, सो इसको आई एम हम नॉट इसका हम वरीड। स्टफ पराठा भी बना सकते हैं ना, तो हाँ थोड़ा सा हाँ मैं. पराठा भी बनता है। तो ये देखिए, आपका जो जैसा बीट रूट है उसके हिसाब से आपको कॉर्न स्टार्च डालना पड़ेगा। एट दिस स्टेज आई विल वॉश माई हैंड्स एंड आई विल कट लाइक फ्यू चिलीज, ग्रीन चिली और अदरक का 1 इंच अदरक। गाइज, हमने 1 इंच ये अदरक ली है, और हरी मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं। प्याज नहीं डाल रहे हैं हम इसमें, लेकिन थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। एंड आई विल शो यू दिस सिंपल कटर। ये कटर इतना अच्छा है, आप लोगों के पास भी शायद होगा, हैंड हेल्ड डिवाइस, एंड इट डजंट नीड एनी इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए कितनी बारीक इसने पीसा है, और ये ना चॉप करता है, ये ऐसे मशी मशी नहीं करता है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत हाँ क्विकली हो गया बहुत क्विक, और स्पेशली हरी मिर्च में तो बहुत ही हाथ जलते हैं जो लोग काम करते हैं, तो ये बड़ा एफिशिएंट कटर है। एफिशिएंट, छोटा, धोने का झंझटबाजी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सो वेरी, हाँ बल्कि काफी स्ट्रांग फ्लेवर भी आ रहा है हाँ अभी इसका. हमें आ रहा है। तो इसमें हम ये डाल के अब मैं इसको चम्मच से मिक्स कर लूंगी, थोड़ा सा नमक डाल। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, जरा सी हल्दी और एक टीस्पून के करीब हरा धनिया, और हरा धनिया नहीं सॉरी धनिया पाउडर। और इधर मैंने हरा धनिया बारीक काट लिया है, डंठल ज्यादातर, तो आप जितना डालेंगे उतना अच्छा स्वाद आएगा। तो सो मेक जूस होता श्योर, है डंठल में, हाँ राइट? डंठल में जूस होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लुक एट द कलर, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। अब इसको हम नमक डाल के बस हम इसको बांधेंगे इन एनी शेप दैट यू वांट। एंड देन फाइनली हमें बाहर इसका ब्रेड क्रम्ब लगाना पड़ेगा, क्रंची और क्रस्ट हाँ बनाने के लिए. क्रस्ट के लिए। तो यहाँ तो ये रेडीमेड ब्रेड क्रम्स मिलते हैं, आप कोई भी बॉल ले लीजिए, उसमें हम ऐसे ब्रेड क्रम्स निकाल लेंगे। लुक एट दिस, इट्स रेडी, ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं ये। और बस मैं शेप करके इसको लपेट के हम शैलो फ्राई करेंगे। मैंने अच्छे से इसके ऐसे गोले बना लिए हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और एक टिक्की मैंने ऐसे ली, और इसमें हम ब्रेड क्रम्स लपेटेंगे जितना आपको चाहिए। कई लोग सूजी भी लगा सकते हैं, मतलब हाँ एनीथिंग दैट यू वांट. एग्जैक्टली, बल्कि सूजी का अच्छा आइडिया है। ठीक है, एंड लेट्स गो टू आवर कुकिंग स्टेशन। और ओ, यहाँ पे हमारी चाय मैंने भी बन रही है साथ में, देखा हाँ आपको, दिखा रहे हैं. ये यहाँ पे आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं और शैलो और फ्राई शैलो फ्राई करेंगे। करना, वही मैं बोलने आ रहा हाँ था. डीप फ्राई मत करिए, डीप फ्राई का वो बात नहीं आती. जरूरत ही नहीं है, हाँ बात भी नहीं आती। सो लाइक दिस मैं अपनी सारी टिक्कियां इसमें हम जल्दी जल्दी डालते जाऊँ। मिठाई, ये तो एकदम मिठाई जैसी लग रही है. मिठाई जैसी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। एंड आई होप इट टेस्ट ऑल्सो, हम बात कर रहे थे कि दिस इज नथिंग बट एक तरह की सब्जी है। तो ये देखिए हल्का शैलो फ्राई हो गया है ये, तो मैंने पलट दिया। ऐसे ही हम बस इसको अच्छे से पकाएंगे मीडियम हीट। कटलेट तो बन गए हाँ हैं, बहुत ही बिल्कुल क्रिस्पी. बिल्कुल तैयार है ये कटलेट। मैंने दोनों तरफ से इसको शैलो फ्राई किया है,
और बस आप इसे हरी चटनी, मीठी दही या किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। हाँ खाइए, एंजॉय करिए, ब्रेड के बीच में खाइए रख के, या साथ में चटनी और केचप के साथ खाइए। और बताइए आपको कैसा लगा, ये बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस पैटी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय।